दिल्ली के पश्चिम विहार में किंग्स बैंकेट हॉल में प्रतिभा रक्षक सम्मान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन एआरके फाउंडेशन की संस्थापक नीलिमा ठाकुर और आनी एडवर्टाइजिंग की ओर से किया गया, जहां खेल, संगीत, भारतीय सेना, स्वास्थ्य और मॉडलिंग जगत की कई हस्तियां शामिल हुई। कार्यक्रम का संचालन नीलिमा ठाकुर ने किया। यहां रिटायर्ड मेजर राकेश शर्मा चीफ गेस्ट बनकर पहुंचे। इसी के साथ रेणु लूथरा, डॉक्टर सिद्धार्थ गुप्ता, डॉक्टर गौरव शर्मा, सेलिब्रिटी आर्टिस्ट गुलफशा भी शामिल रहे। इस मौके पर कोरोना काल में जनता की सेवा में लगे अलग अलग क्षेत्रों से कोविड वॉरियर्स के साथ समाज के गरीब तबके की सेवा में लगे लोगों को प्रतिभा रक्षक सम्मान से सम्मानित किया गया। एआरके फाउंडेशन पिछले करीबन 10 सालों से समाज के उस वर्ग के लिए काम कर रही है जो बहुत ज़रूरतमंद तबका है, दिव्यांग भाई बहन है और जो महिलाएं हैं जो कि सक्षम होते हुए भी कहीं बाहर नहीं निकल सकती और कुछ काम नहीं कर पाती या उनको कोई उनकी अपनी पहचान नहीं मिलती। आज इस कार्यक्रम के ज़रिए हम लोग एक बहुत ही अच्छा मैसेज सोसाइटी के लिए लेकर आए हैं। इसका नाम है प्रतिभा रक्षक सम्मान, जिसमें हम लोग हमेशा हमारे कामों को अप्रिशिएशन मिलता है, हमें अप्रिशिएशन मिलता है और जो लोग अचीवर्स होते हैं उनको सम्मान दिया जाता है, लेकिन कभी उन लोगों को सम्मान के बारे में हम लोग ज़्यादा नहीं सोचते जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया और हमारी इन प्रतिभाओं की रक्षा की। तो जो प्रतिभा रक्षक सम्मान जो इसका जो मोटिव है, डॉक्टर कुमार विश्वास ने एक कार्यक्रम में हम लोगों को कहा था कि हमेशा हमेशा लोग उन अपनी अचीवमेंट्स की बात करते हैं, अपने बारे में बात करते हैं, लेकिन अपने उन लोगों को भूल जाते हैं जिन लोगों ने कभी भी हमें आगे बढ़ाया। तो आज ये सम्मान हम उन लोगों को डेडिकेट कर रहे हैं, उन अपनों को डेडिकेट कर रहे हैं जो हमारे माता पिता हैं, हमारे जो हमारे आइडियल हैं, हमारे भाई बंधु हैं, जिन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स को साइड में रख के हमारी तरक्की के लिए काम किया। देखिए, ऐसा है कि जो ये प्रोग्राम कंडक्ट हो रहा है ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि जितना मेरे को जानकारी है तो आर्क फाउंडेशन जो है वो जो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं उनकी पढ़ाई के लिए और उनके आगे बढ़ने के लिए जो है अच्छा काम कर रहा है। तो मैं जो है नीलिमा जी को और इनकी संस्था और जो इनसे जुड़े लोग हैं इनको मैं जो है अपनी तरफ से पूरी गुड विशेस देना चाहूँगा और मैं ये चाहूँगा कि ये निरंतर अग्रसर आगे बढ़ते रहें। नीलिमा जी के लिए मैं जितना कहूँ वो कम है। हमारी बहुत ही मेहनत कश और नेक दिल सदैव जहाँ ज़रूरत है वहाँ खड़ी रहती है। तो ऐसी हमारी बहन समाज के कार्यों में जुटी है तो हम सब उसके साथ हैं और बहुत अच्छा लगता है ऐसे इवेंट से जुड़ के। आई थिंक 5 साल से जानती हूँ। बहुत अच्छी फाउंडेशन चलाती हैं, गरीबों की मदद करती हैं और हर उनके अच्छे काम में मेरा थोड़ा सा सहयोग रहता है, जो कि ज़्यादा नहीं, पर बहुत अच्छा कॉज है ये कि इतने विकलांग बच्चे, जिन लाचार बच्चे जिनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही, उन लोगों के साथ नीलिमा जी जुड़ी हैं और उन्होंने मुझे एज अ चीफ गेस्ट बुलाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आज मुझे प्रतिभा जो अवार्ड जो दिया जा रहा है उसके लिए मैं नीलिमा दीदी को थैंक यू बोलना चाहूँगी, पूरा टीम को, कि मुझे इस लायक समझा और मैं और भी आगे काम
करूँगी तो और भी लाइक दीदी के साथ मिलके जो भी है कोशिश करेंगे। तो थैंक यू नीलिमा दीदी, मैं दीदी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ दिल से। मुझे बहुत अच्छा लगा जो संस्था है, वाकई एक तारीफ़ काबिल काम कर रही है। मैं भाई सुनील जी का, बहन जी का बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने हमें बुलाया, बड़ा मान सम्मान दिया। यहाँ पे मैं नीलिमा जी से पिछले 2 साल से जुड़ा हूँ, जो मुझे घर जैसा माहौल यहाँ पर मिलता है। यहाँ पे सब लोग हम छोटे भाई बहन की तरह ही रहते हैं और बहुत ही हार्ट टचिंग चीज़ें हैं यहाँ पे, हार्ट टचिंग लोग हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को एयर के फाउंडेशन में आके और अपना ग्लाइड मूवमेंट फील कर रहा हूँ, प्लेजर फील कर रहा हूँ। एयर के फाउंडेशन सुमित बजाज प्रेसिडेंट, जो इन्होंने मेरे को इनवाइट किया आज के मंच पर आकर, और मुझे काफ़ी लोगों से यहाँ पे मिलने को मिला और मेरे इन्होंने काम को सराहा है एज ए मेडिकल फील्ड डेंटल सीन हेयर वर्क के लिए। मैं एआर के फाउंडेशन का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे ये सम्मान दिया, और यहाँ के सभी मीडिया साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने ये इवेंट सक्सेसफुल बनाया। ब्यूरो रिपोर्ट द डेली टुडे।